हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्वागत है। 26 सितंबर है तो आप रेडी हैं अपने करंट अफेयर सेशन के नाल। करंट अफेयर सेशन जो कि इंपॉर्टेंट होएगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, पीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या बैंकिंग एग्जाम्स है। आप स्टार्ट कर दें सेशन। सब तो पहले आईबीपीएस, आरआरबी, जेई पंजाब, पंजाब पुलिस, एसआई और पटवारी दे लई बैची शुरू किए जा चुके हैं। अगर तुम चाहो तो इन एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए तो साड़ी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तो साड़ी वैबसाइट से विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इतने दिता हुआ। और भी किसी तरीके के क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ नू अगर तुम बाय करना चाहते हो तो भी तुम वैबसाइट से विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। इस तो इलावा वीडियोज़ में लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल, जिथे भी तुम अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो। नेक्स्ट है, सब तो पहले 24 सितंबर वर्ल्ड मैरीटाइम डे। क्विक रिवीजन दे विच उन्हां न्यूज़ नू आपां डिस्कस करते हुंदे आ जिन्हां नू कल आपां डिस्कस किया हुंदा एमसीक्यू फॉर्म दे विच, ते उस तो बाद अज दी न्यूज़ नू एमसीक्यू फॉर्म दे विच ही डिस्कस करांगे। 24 सितंबर नू वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया गया। यह हर साल ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट थर्सडे नू, सितंबर दे लास्ट थर्सडे नू, जिसकी थीम रही है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट इस दिन की थीम रही है। नेक्स्ट है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंसड टू कोलैब विद गूगल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गूगल के नाल पार्टनरशिप की ताकि डेबिट कार्ड नू यूज़ किया जा सके। गूगल पे राही डेबिट कार्ड नू यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है, सेबी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ टेक्निकल ग्रुप ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर नबार्ड चेयरमैन हर्ष कुमार बनवाला। हर्ष कुमार बनवाला की चेयरमैनशिप के अंडर सेबी द्वारा एक कमेटी बनाएगी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट है, रेलवेज द्वारा 100% इलैक्ट्रीफिशन अनाउंस की गई। जिहड़ी ब्रॉड गोज लाइनस ने रेलवे दियाँ, ब्रॉड गोज लाइनस ने जिहड़ियाँ उन्हां दी 100% इलैक्ट्रीफिकेशन है जिहड़ी 2023 तक कर दित्ती जाएगी। नेक्स्ट है, खुशी चंदालिया फ्रॉम सूरत तो बिलोंग करते हैं। खुशी चंदालिया अपॉइंट किए गए रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम दे लई रीजनल एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं खुशी चंदालिया। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ अनाउंसड टू एक्वायर वीडियो गेम कंपनी जेनीमैक्स नाम की वीडियो गेमिंग कंपनी नू एक्वायर किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। किन्ने बिलियन के नाल? 7.5 बिलियन के नाल इसनू खरीद लिया गया। सिमाचला दास अपॉइंट किए गए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मोनिटरी फंड इन वॉशिंगटन, एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। बेसिकली IMF है जो जिसका हैडक्वार्टर वॉशिंगटन DC के है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दे एडवाइजर अपॉइंट किए गए हैं सिमाचला दास। नेक्स्ट है, डिप्यूटी रेलवेज मिनिस्टर कह सकते हैं या मिनिस्टर ऑफ रेलवेज फॉर स्टेट सुरेश अंगादी, इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई है। ये MP सिगे बेलगावी कर्नाटका तो MP सिगे। नेक्स्ट है, टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। इस दे विच 5 इंडियन का नाम आया है। केड़े? सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक्टर ने आयुष्मान खुराना, गूगल द CEO सुंदर पिचई, 82-year-old grandmother बिल्किस फेमस फॉर हर प्रोटेस्ट ऑन CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दे प्रोटेस्ट दे लई बिल्किस का नाम आया इस लिस्ट दे विच। और प्रोफेसर रविंदर गुप्ता जिहड़ा कि अपने एड्स ट्रीटमेंट के कारण ट्रीटमेंट के उत्ते जिहड़ा इन्होंने वर्क किया गया और दे कारण फेमस ने। नेक्स्ट है, एशले बार्टी जो कि प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर रह चुके ने, टेनिस प्लेयर ने, और इन्होंने जितया ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वूमेन्स चैंपियनशिप। गोल्फ का टूरनामेंट जितया ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वूमेन्स चैंपियनशिप। कितों बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते।
बानदा अपॉइंट किए गए हैं इंटरिम प्रेजिडेंट ऑफ माली, माली के इंटरिम प्रेजिडेंट, माली के जोड़े प्रेजिडेंट से इन्होंने रेजिग्नेशन दिता सी। बेसिकली इन्हों का नाम से आई थिंक इब्राहिम कीता इस तरीके का नाम से इन्हों का, इन्होंने रेजिग्नेशन दिता सी। और इन्हों के रेजिग्नेशन तो बाद इंटरिम प्रेजिडेंट बानदा अपॉइंट किए गए हैं। माली कैपिटल बमाको है, करंसी ईको चलती। नेक्स्ट है विकास खन्ना द्वारा बुक लिखी जाएगी किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड बुक अनाउंस की गई है विकास खन्ना द्वारा। इन्हों द्वारा ही फीड इंडिया बुक लिखी गई सी मार्च 2020 के लॉन्च किया गया। जग्गी वासुदेव द्वारा बुक लिखी जा रही है कर्मा अयोगी गाइड टू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी, कर्मा अयोगीज गाइड टू क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी, जग्गी वासुदेव द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन नेवी कंडक्ट पैसेज एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के नाल कंडक्ट की गई है इन ईस्ट इंडिया ओशियन रीजन दे विच। अगर गल करिए इंडिया वालों तो आई एन एस शाहुदरी और करमुक द्वारा इस दे विच पार्टीसिपेट किया गया। यह एक्सरसाइज रिसेंटली इंडिया ने जापान USA और फ्रांस के नाल भी हेल्ड की सी। सब तो पहले फ्रांस के नाल, उस तो बाद जापान और रिसेंटली USA के नाल भी इस एक्सरसाइज नू हेल्ड किया गया। इंडिया एंड इजराइल साइन एग्रीमेंट टू कोलैबोरेट इन टैक इनोवेशन। इंडिया ने इजराइल के नाल एग्रीमेंट साइन किया टैक इनोवेशन के लिए इजराइल के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया का। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इन्हों द्वारा आरोग्य मंथन 2.0 चेयर किया गया। बेसिकली आयुष्मान भारत स्कीम की सैकेंड एनीवर्सरी ऑबजर्व किया गया 2018 के। इस स्कीम लॉन्च किया गया सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा रांची दे विच। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट बायोमेडिकल पार्क इज टू बी एस्टेब्लिश इन त्रिवेंद्रमपुरम केरला। इंडिया का पहला बायोमेडिकल पार्क कितने बनाया जा रहा है? त्रिवेंद्रमपुरम केरला दे विच। इंडियाज फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी कितने लॉन्च की गई है? कोलकाता वैसट बेंगोल दे विच। इंडिया की पहली ट्रैम लाइब्रेरी कितने लॉन्च की गई है? कोलकाता वैसट बेंगोल दे विच। इंडिया कंडक्टेड सक्सैसफुल नाइट टेस्ट फायर ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी टू फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर उड़ीसा। इंडिया ने पृथ्वी टू मिसाइल का नाइट टेस्ट सक्सैसफुली कंडक्ट किया। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है, 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है और इसनु चंदीपुर उड़ीसा तो टेस्ट किया गया। सिमिलरली इंडिया द्वारा लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नु भी सक्सैसफुली टेस्ट किया गया। कितों? अर्जुन टैंक द्वारा इसनु टेस्ट किया गया। 4 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है, DRDO द्वारा टेस्ट किया गया और अहमदनगर महाराष्ट्र दे विच इसनु टेस्ट किया गया। नेक्स्ट है केरला गवर्नमेंट लॉन्च ई चलान सिस्टम टू मॉडर्नाइज द ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट दे ट्रैफिक डिपार्टमेंट नू मॉडर्नाइज करन दे लई ई चलान सिस्टम केरला गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा आनंद वन नू इनोग्रेट किया गया सी। आनंद वन इनोग्रेट किया गया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा। नेक्स्ट है स्टैटिक पोर्शन दे विच स्टेट डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 के बनाई गई सी। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है रायपुर। बेसिकली MP तो अलग किया गया सी छत्तीसगढ़। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने गवर्नर की गल करिए अनुसुईया उइके इतने के गवर्नर ने 28 डिस्ट्रिक्ट्स 11 लोकसभा सीट्स 5 राज्यसभा सीट्स और विधानसभा की गल करिए 91 सीट्स ने। एरिया वाइज 9th रैंक है और पॉपुलेशन वाइज 17th रैंक है छत्तीसगढ़ का। स्टेट एनिमल की गल करिए एशियन बोफेलो स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड
हिल माइना स्टेट बर्ड है और स्टेट ट्री साल ट्री, साल ट्री स्टेट ट्री है छत्तीसगढ़ का। कंगेर घाटी नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ने छत्तीसगढ़ के। कंगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास, कंगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। इस तो अलावा पमेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोमारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ने पमेदा और गोमारदा, पमेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोमारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूज़ के वल। इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स किस दिन ऑब्जर्व किया गया, इस दिन नू किस दिन ऑब्जर्व किया गया, इस दिन नू ऑब्जर्व किया गया 26th of September। न्यूक्लियर वेपन्स के एलिमिनेशन के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स के एलिमिनेशन के लिए इस दिन नू ऑब्जर्व किया जाता है ताकि कंट्रीज नू अवेयर किया जा सके और न्यूक्लियर वेपन्स नू एलिमिनेट कर देन, घट तो घट यूज कर। 26th September इस दिन ऑब्जर्व किया गया, पहली बार 2014 इस दिन ऑब्जर्व किया गया सी। याद रखना, इस तो इलावा एक न्यूज़ भी सी कि USA ने ईरान के उत्ते सेंक्शन लगाए ने रिसेंटली कि वह न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ बंद कर दे। 24th September मैरीटाइम डे, हमने आप डिस्कस करके हटे से, इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया गया 24th September को। 23rd September इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23rd September नू ऑब्जर्व किया गया। इस तो इलावा आयुष्मान भारत की एनीवर्सरी, 2nd anniversary भी ऑब्जर्व की गई 23rd September को। 22nd September वर्ल्ड राइनो डे, वर्ल्ड राइनो डे कदों ऑब्जर्व किया गया सी, 22nd September नू। अगर इस तो इलावा अगर आप गल करिए होर इंपोर्टेंट दिनों की, तो 21st September अल्जाइमर डे, अल्जाइमर डे ऑब्जर्व किया गया सी 21st September नू। इस तो इलावा 21st September नू ही इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस भी ऑब्जर्व किया गया सी 21st September। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वूमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई रफाल एयरक्राफ्ट, रफाल एयरक्राफ्ट नू फ्लाई करने वाले फर्स्ट वूमेन फाइटर पायलट कौन बने ने, रफाल नू चलाने वाले पहले फाइटर पायलट कौन बनेंगे, शिवांगी सिंह, थर्ड ऑप्शन शिवांगी सिंह ने जेड़े वो पहले वूमेन फाइटर पायलट होंगे जेड़े कि रफाल चलाएंगे। रफाल की गल करिए, 36 रफाल की डील साइन की गई है फ्रांस के नाल, जिस दे विचों सिक्स आपां नू मिल चुके ने। अगर आप गल करिए, एक पहले भेजे गए सी और पांच रीसेंटली भेजे गए ने। इन्हां नू हरियाणा दे विच, हरियाणा दे अंबाला एयरफोर्स बेस दे विच ऐड किया गया। इस तो इलावा अगर आप गल करिए होर की डिस्कस कर सकते, इस नू गोल्डन एरो दे नाम नाल भी जाना जाता है और स्क्वैड्रोन 17, स्क्वैड्रोन 17 दे विच ऐड किया गया। ठीक है, इस तो इलावा होर अगर आप गल करिए फ्रांस तो लिते गए ने, ये याद रखने जी। कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह, कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह, इन्हों दोनों का नाम इंपोर्टेंट बंद है। इन दोनों के बारे आप डिस्कस किया कि दोनों नेवी के ऑफिसर्स ने जिन्हों पोस्ट किया जाएगा हैलीकॉप्टर के लिए, वॉर एयरक्राफ्ट उत्ते हैलीकॉप्टर फ्लाइट करन दे ले। अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी की गल करिए, फर्स्ट वूमेन सी जिन्होंने फ्लाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया सी, एयरक्राफ्ट उड़ान वाले फर्स्ट वूमेन पायलट बने सी अवनी चतुर्वेदी। तानिया शेरगिल, तानिया शेरगिल पहले वूमेन बने सी जिन्होंने रिपब्लिक डे की परेड नू लीड किया सी, रिपब्लिक डे की परेड नू लीड करने वाले फर्स्ट वूमेन बने सी तानिया शेरगिल। पहला एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान वाले बने सी अवनी चतुर्वेदी। शिवांगी सिंह फर्स्ट वूमेन पायलट बन गए जो कि रफाल नू उड़ानगे, रफाल एयरक्राफ्ट नू उड़ानगे। नेक्स्ट, हु इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए। एसर इंडिया जो कि बेसिकली कंप्यूटर कंपनी है, लैपटॉप्स वगैरह इस कंपनी के बनाए जाते हैं और कंप्यूटर बनाए जाते हैं, इस दे ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद अपॉइंट किए गए हैं। सोनू सूद नू एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। सिमिलरली इन्हों रिसेंटली गार्गो इंटरनेशनल का भी, गार्गो इंटरनेशनल का भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया सी सोनू सूद नू। आयुष्मान खुराना बजाज अलायंस का एम्बेसडर, इस तो इलावा आयुष्मान खुराना नू
आयुष्मान खुराना नूं यूनीसेफ दे कैंपेन दा अंबैसडर अपॉइंट किया गया सी फॉर एवरी चाइल्ड। इस तों इलावा एस यू वी दे लई भी अपॉइंट किया गया ब्रांड एंबैसडर। ठीक है जी, ये याद रखने तीनों चीज़ां। आयुष्मान खुराना नूं हुणे आपां डिस्कस करके हटे सी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल परसन की लिस्ट दे विच भी इन्हां दा नाम आया आयुष्मान खुराना। पंकज त्रिपाठी बिहार दे खादी मॉल दे ब्रांड एंबैसडर अपॉइंट किए गए सी पंकज त्रिपाठी। अमिताभ बच्चन नूं IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांड एंबैसडर अपॉइंट किया गया। IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांड एंबैसडर अपॉइंट किया गया। इस बैंक के रिलेटेड एक न्यूज़ भी है, अगे डिस्कस करांगे। इस तों इलावा अमिताभ बच्चन नूं एलेक्सा दी वॉइस दे लई असिस्टेंट एमाजोन द्वारा साइन किया गया। इस तों इलावा आर बी आई द्वारा ट्विटर कैंपेन के लिए ट्विटर के उत्ते कैंपेन लॉन्च किया डिजिटल नू प्रमोट करन दे लई डिजिटल ट्रांजैक्शंस नू अमिताभ बच्चन उसके फेस बनाए गए से। सलमान खान रियलमी के ब्रांड एंबैसडर कौन अपॉइंट किए गए सी सलमान खान। नेक्स्ट है हाउ मच डॉलर्स इज इंक्रीज इन द प्राइज मनी ऑफ नोबल प्राइज। बेसिकली नोबल प्राइज की गल करिए एल्फ्रेड नोबल के नाम के उत्ते हर साल यह 10 दिसंबर नूं दिते जाते हैं। हर साल 10 दिसंबर नूं यह अवार्ड दिते जाते हैं। बेसिकली 1901 दे विच आई थिंक यह शुरू किए गए सी। इस तों इलावा 6 कैटेगरीज दे विच दिते जाते हैं। कैटेगरी कैटेगरीज फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन इकोनॉमिक्स पीस और लिटरेचर। फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन इकोनॉमिक्स पीस और लिटरेचर सारे अवार्ड दे कित्थे दिते जाते हैं ओसलो दे विच दिते जाते हैं। इस तों इलावा कला पीस नूं छड्ड के पीस वाला दिता जाता है स्टॉकहोम दे विच। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट्स याद रखने ने। इस तों इलावा अगर आप गल करिए इसकी जिहड़ी प्राइज़ मनी है वह इनक्रीज़ की गई है। प्राइज़ मनी नूं $1,10,000 तक इनक्रीज़ किया गया। ठीक है, पहले आई थिंक इसकी बेसिकली जिहड़ी प्राइज़ मनी है उसनूं क्राउन्स दे विच गिनिया जाता है CROWN क्राउन्स करंसी दे विच दित्ती जाती है। ये बेसिकली आई थिंक 10 लाख क्राउन सी 10 मिलियन क्राउन सी जिस दे विच 1 मिलियन क्राउन होर ऐड कर दिता गया, यानी कि हुण 11 मिलियन क्राउनस दित्ती जाएगी। नेक्स्ट है हू हैज़ पार्टिसिपेटेड इन एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ SAARC काउंसल ऑफ मिनिस्टर्स। SAARC दे काउंसल ऑफ मिनिस्टर्स दी एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग दे विच किसने पार्टिसिपेट किया। SAARC दी एनुअल इनफॉर्मल मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा। एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरन मिनिस्टर कह सकते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा SAARC दी काउंसल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है जी, इस तों इलावा अगर आप डिस्कस करना होर भी काफ़ी इंपोर्टेंट चीज़ा ने। SAARC के हैडक्वार्टर की गल करिए नेपाल के काठमांडू के विच हैडक्वार्टर है। फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसीएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज। SAARC के विच किन्ने मैंबर ने कमेंट बॉक्स के विच दसने ने। SAARC के विच किन्नी कंट्रीज मैंबर ने। ठीक है जी, निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर रेलवे मिनिस्ट्री देख रहे ने और राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। इस तों इलावा अर्थ साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री देख रहे ने चांदनी चौंक दिल्ली तो लोकसभा MP ने। रमेश पोखरियाल निशांक एजुकेशन मिनिस्टर ने और हरिद्वार उत्तराखंड तो लोकसभा MP ने। ठीक है जी, इस तों इलावा कुछ न्यूज़ सीगियां वह भी डिस्कस करते हैं। एस जयशंकर द्वारा SAARC की मीटिंग दे विच भी पार्टिसिपेट किया गया। प्लस एक होर ग्रुप है इंट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन इंट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया जिस शॉर्ट फॉर्म दे विच कीका कहा जाता है CICA एक ग्रुप है जिसका हैडक्वार्टर नूर सुल्तान कजाकिस्तान दे विच हैडक्वार्टर है। इसकी मीटिंग दे विच भी इंडिया वालों पार्टिसिपेट किया गया। एस जयशंकर द्वारा
पार्टिसिपेट किया गया। नेक्स्ट है इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने जिहड़े डॉक्टर हर्षवर्धन इन्हों द्वारा अनाउंस किया गया ट्यूबर कलोसिस के एंड दे लई ईयर 2025। हालांकि पहले भी यही सीगा टारगेट, इस दे विच कुछ चेंज नहीं होया, बस इस दोबारा अनाउंस किया गया। इस करके एक बार रिवीजन दे करके आपां डिस्कस कर रहे हैं कि ट्यूबर कलोसिस नूं टीबी नूं खत्म करन दे लई किन्ना टारगेट रखा गया इंडिया दे विच 2025। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ पार्ट ऑफ G4 और ग्लोबल 4। यह एक ग्रुप है G4 या ग्लोबल 4 कह सकते हैं। इस ग्रुप का मोटिव है और इस ग्रुप का मतलब की है, इस ग्रुप दे विच काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है की है कि G4 यानी कि चार कंट्रीज इस दे विच मेंबर ने, केड़ी चार कंट्रीज, ऑल ऑफ दिस, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, ये चार कंट्रीज इस दिया मेंबर ने। क्यों इंपोर्टेंट है ग्रुप की होया रिसेंटली, इसकी मीटिंग हेल्ड की गई है, इसकी मीटिंग हेल्ड की गई है। अगर गल करिए इस दे विच भी एस जयशंकर द्वारा ही पार्टीसीपेट किया गया, फॉरन मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा ही पार्टीसीपेट किया गया। एक क्यों ग्रुप है, इस ग्रुप नूं डिटेल दे भी डिस्कस करते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट चीज़ है कि इस ग्रुप नूं बनाया गया सी कि जिहड़ा यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशनस दी जिहड़ी काउंसल है, इस दे विच 5 परमानेंट मैंबर्स ने आपां डिस्कस किए हुए ने और 10 होंदे ने नॉन परमानेंट मैंबर्स। ठीक है, जिहड़े ये 5 परमानेंट मैंबर्स ने ये किहड़े ने, UK, USA, रशिया, चाइना और फ्रांस। UK, USA, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये 5 परमानेंट मैंबर्स ने। और जिहड़े ये चार ग्रुप है, ये चारों कंट्रीज़ इसका परमानेंट मैंबर बनना चाहुंदियां ने। इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, ये चार ऐसी कंट्रीज़ ने जिहड़ियां इस ग्रुप का परमानेंट मैंबर बनना चाहुंदियां ने। और इस दे लई यह ग्रुप बनाया गया सी, यह मीटिंग की गई है ताकि जिहड़ी यूनाइटेड नेशनस की मीटिंग आ रही है, तुहानू याद होएगा आपां डिस्कस कीता सी कि यूनाइटेड नेशनस की 75th मीटिंग आ रही है, 70 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दे 75 साल पूरे हो रहे ने। बेसिकली 1945 दे विच बनाया गया सी और मीटिंग जिहड़ी ओह हेल्ड की जाएगी 24 अक्टूबर 2020 नूं यह मीटिंग हेल्ड की जाएगी। इस मीटिंग दे विच इस चीज़ की चर्चा की जा सके कि इन्हां चार कंट्रीज़ नूं कदों मैंबर बनाया जाएगा, परमानेंट मैंबर बनाया जाएगा। इस दे लई यह मीटिंग हेल्ड की गई है ताकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग दे विच इस इशू नू अर्जेंट मैटर दे विच पाया जा सके। ठीक है जी, इस करके इसकी मीटिंग हेल्ड की गई है, याद रखना है। नेक्स्ट है RBI हैज़ अपॉइंटेड AK दास एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच बैंक। केड़े बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए गए ने AK दास। AK दास नू PNC बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया RBI द्वारा। PNC बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कारपोरेशन बैंक है, जिहड़ा बेसिकली ओही बैंक है जिसके विच फ्रॉड होया सी, रीसेंटली आपां डिस्कस भी किया सी। इस बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर नवे अपॉइंट किए गए हैं AK दास, जिहड़े पुराने एडमिनिस्ट्रेटर से उन्होंने ड्यू टू हैल्थ रीजनस रेजिग्नेशन दिता है, नवे अपॉइंट किए गए हैं AK दास। इस तो अलावा IDFC बैंक के रिलेटेड मैं कहा सी एक न्यूज़ है, IDFC बैंक ने की लॉन्च किया है, IDFC बैंक ने लॉन्च किया है सेफ पे दे नाल की होएगा, सेफ पे दे नाल कॉन्टैक्टलैस डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस कीतियां जा सकनगियां। कॉन्टैक्टलैस डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस सेफ पे लॉन्च किया गया IDFC बैंक द्वारा। आप हमने डिस्कस भी किया, अमिताभ बच्चन इस दे ब्रांड एंबेसडर ने, याद रखना है। हैडक्वार्टर कितने है, मुंबई के विच है IDFC बैंक का। PNC बैंक का हैडक्वार्टर भी मुंबई के विच है। IDFC बैंक के इस टाइम जिहड़े MD ने उन्हों का नाम है वी विद्यानाथन IDFC बैंक के MD ने। SBI के बारे सेम आप डिस्कस किया, टाइटन पे याद रखना है। शगुन गिफ्ट पॉलिसी भी शुरू की गई सी SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा। SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा रीसेंटली येस बैंक के नाल पार्टनरशिप की गई है। नेक्स्ट है अराती साहा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है अराती साहा, एक केड़ी स्पोर्ट्स के नाल रिलेटेड ने, स्विमिंग के नाल रिलेटेड ने। ठीक है, बेसिकली इन्हों का नाम न्यूज़ के आया, क्यों आया है कि जिहड़ी गूगल है, गूगल ने की कराया, ऑब्जर्व किया इन्हों की बर्थ एनीवर्सरी, इन्हों की 80th बर्थ एनीवर्सरी ऑब्जर्व की गई अराती साहा।
राती साहा कौन ने? राती साहा एक लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर ने, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने। और गूगल ने की किया इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करने के लिए गूगल का जरा डूडल है, डूडल यानी कि जरा गूगल जो आप गूगल उत्ते सर्च करते हैं जो उपर गूगल बनया होंगे उस थीम होंगे ने डिफरेंट डिफरेंट चेंज करते होंगे ने। यह स्पेसीफिकली इन्होंने चेंज की राती साहा के लिए 80th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। क्यों ऑब्जर्व बेसिकली इन्हों का नाम क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने इंग्लिश चैनल में पार किया, इंग्लिश चैनल में स्विम करके पार किया। 67 किलोमीटर है इंग्लिश चैनल। अगर गल करते हैं कि दो कंट्रीज के बीच है, यह यूके और फ्रांस के बीच है। इंग्लिश चैनल यूके और फ्रांस के बीच है, उसनों स्विम करके पार किया। और पद्म श्री फर्स्ट वूमेन ने जिन्हों पद्म श्री भी दिता गया। राती साहा फर्स्ट वूमेन ने जिन्होंने पद्म श्री जितया सी। कदों जितया सी? 1960 दे विच, 1960 दे विच इन्हां नूं पद्म श्री दिता गया सी। पहले वूमेन ने, याद रखें। नेक्स्ट है, अच्छा इस तो इलावा अगर आप गल करिए स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स अवार्ड डिस्कस किए थे अपने, उन्होंने डिस्कस कर लें। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल के, बास्केटबॉल के विशेष ब्रिगवंशी नूं अर्जुन अवार्ड दिता गया। अर्जुन अवार्ड विशेष ब्रिगवंशी बास्केटबॉल के लिए, ठीक है। इन्हों के नाम, अच्छा इन्हों एक बुक लिखी गई है विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन। इस बुक के राइटर का नाम कमेंट बॉक्स में भी दसना है। काफ़ी दिन हो गए मैं काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा, तो कमेंट बॉक्स में उसके आंसर नहीं आ रहे। कमेंट बॉक्स के आंसर जरूर दिया करो, हालांकि नाल दी नाल भी दिंदे, काफ़ी बच्चे नाल दी नाल आंसर दिंदे ने, पर कमेंट बॉक्स के जरूर आंसर दिया करो जिन्हें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शूटिंग, शूटिंग की गल करिए, शूटिंग के लिए किस किसू अवार्ड दिता गया सी? अर्जुन अवार्ड मनु भाकर, मनु भाकर अर्जुन अवार्ड दिता गया। इस तों अलावा सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी भी अर्जुन अवार्ड दिता गया शूटिंग के लिए। स्विमिंग के नहीं किसी को दिता गया, पर पैरा स्विमिंग के दिता गया सुरेश नारायण यादव, सुरेश नारायण यादव पैरा स्विमिंग के लिए इन्हों अर्जुन अवार्ड दिता गया। नाम इंपोर्टेंट है, याद रखना। गोल्फ के लिए अदिति अशोक, अदिति अशोक गोल्फ दे ली। बॉक्सिंग दे विच भी दो नाम सीगे, मनीष कौशिक, मनीष कौशिक, मनीष कौशिक नू बॉक्सिंग दे विच अवार्ड दिता गया सी। इस तो अलावा लवलीना बोरहिंगम, लवलीना बोरहिंगम, लवलीना बोरी बोरहेन समथिंग बोर बोरगोहेन, इस तरीके का नाम इन्हों, प्लस मनीष कौशिक, दोनों नू अर्जुन अवार्ड शूटिंग बॉक्सिंग दे ली। नेक्स्ट है, विच नेशन विल को होस्ट ग्लोबल क्लाइमेट समिट इन दिसंबर अलोंग विद यूनाइटेड नेशंस? बेसिकली ग्लोबल क्लाइमेट समिट है, जिहड़ा ग्लोबल क्लाइमेट समिट है यह हैल्ड किया जा रहा है, हैल्ड किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस द्वारा। यूनाइटेड नेशंस द्वारा केड़ी कंट्री मिलकर इस नू होस्ट करेगी? यूके, यूनाइटेड नेशंस दे नाल यूके मिलकर इस नू होस्ट कर रही है, ठीक है। कदों होस्ट कर रही है, इसनों कदों हैल्ड की जाएगी? इसनों इसे साल हैल्ड किया जाएगा नवंबर दे विच, ग्लोबल क्लाइमेट समिट, ग्लोबल क्लाइमेट समिट हैल्ड किया जाएगा, बेस अक्टूबर नवंबर दे विच हैल्ड किया जाएगा ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा। इस तो अलावा इंपोर्टेंट है कि यूके द्वारा ही, यूके द्वारा ही कोप 26 समिट भी हैल्ड किया जाएगा, कोप 26 समिट। अगर कोप 25 की गल करिए स्पेन के मैड्रिड के रहा सी, बेसिकली जिसनों चिली के हैल्ड किया जाना सी, चिली तो रिप्लेस करके इसनों स्पेन के मैड्रिड के हैल्ड किया गया सी। चिली कैपिटल सेंटियागो है, चिली कैपिटल सेंटियागो है, करंसी पैसो चलती है। कोप 26 यूके द्वारा हैल्ड किया जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड के, ग्लासगो स्कॉटलैंड के इसनों पोस्टपोन कर दिया गया सी नवंबर 2021 के, हैल्ड की जाएगी, याद रखनी। जिस दे प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए सी आलोक शर्मा, ये भी याद रखना। इस तो इलावा अगर आप गल करिए यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस के सैक्रेटरी जनरल का नाम याद रखना एंटोनियो गुटर्स, एंटोनियो गुटर्स। कोप 26, अच्छा कोप 26 डिस्कस की है, सिमिलर तरीके नाल कोप 13 भी एक, कोप 26 है जी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग है क्लाइमेट चेंज के लिए, और कोप 13 है जी बेसिकली माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए है। ये गांधीनगर गुजरात के हैल्ड की गई सी इंडिया के, ठीक है। इसनों बोन कन्वेंशन के नाम नाल भी जाने जाता है, बोन कन्वेंशन, बेसिकली जर्मनी के बोन के हेडक्वार्टर है जिस द्वारा
कोप 13 हैल्ड की बेसिकली इस ईवेंट नू हैल्ड किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा रशिया की गल करिए, रशिया की स्पूतनिक 5 मेडिसिन है जी, वह की कहते ने डेवलप की इन्हों ने COVID-19 के लिए, और ब्राज़ील के नाल एग्रीमेंट साइन किया इसकी ट्रेडिंग के लिए और मार्केटिंग मास प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए, यह रखना है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए एक न्यूज़ सी ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर और कमेंटेटर से, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और कमेंटेटर डीन जॉन्स इन्हों की रीसेंटली डैथ हो गई। नेक्स्ट है विद विच नेशन इंडिया हैज़ बिगिन जॉइंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अलोंग बॉर्डर इन कपिल वस्तु। बेसिकली अगर किसी को पता होगा कि कपिल वस्तु कितने है तो इस क्वेश्चन आंसर काफ़ी ईजली दस सकता है। जॉइंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शुरू किया, जॉइंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बॉर्डर के नेड़े जॉइंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल शुरू किया गया नेपाल के नाल, कि कंट्री के नाल नेपाल के नाल इस शुरू किया गया। इस तो इलावा अगर आप गल करिए कपिल वस्तु नेपाल के बॉर्डर पर है। दूसरी चीज़ नेपाल की गल करिए पशुपति नाथ टैंपल के लिए एग्रीमेंट साइन किया गया सी नेपाल दे नाल, इंडिया दा नेपाल दे नाल एग्रीमेंट साइन किया गया सी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए भूटान दे नाल इनवायरमेंट दे रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किया सी इनवायरमेंट दे रिलेटेड भूटान दे नाल। इस तो इलावा इंडिया भूटान दे विच एक हाइड्रल इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लगा रहा है भूटान दे विच। ठीक है। बंगलादेश की गल करिए बंगलादेश द्वारा इंडिया ने अगर गल करिए इंडिया और बंगलादेश की अच्छा डे नाइट टेस्ट मैच हैल्ड किया गया सी इंडिया का बंगलादेश के नाल किथे ईडन गार्डन कोलकाता दे विच हैल्ड किया गया सी जिस दे विच इंडिया जीतिया सी। इसनू पिंक बॉल टेस्ट मैच भी कहा जाता है। अफगानिस्तान नू वीट प्रोवाइड करवाने के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया सी। इस तो इलावा अफगानिस्तान के नाल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इंडिया द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट है 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज विल बी हेल्ड फ्रॉम 16 तो लेकर 24 जनवरी 2021 इन विच स्टेट। बेसिकली जो 51st एडिशन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का IFFI का इसनों 2020 हैल्ड किया जाना सी। COVID-19 के कारण यह बार बार पोस्टपोन होंदा रहा और फाइनली इस दसया गया कि नवंबर के ऑर्गेनाइज किया जाएगा नवंबर के 2020 हूँ। डेट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। इसनों 2021 के लिए पोस्टपोन किया गया है 16 तो लैके 24 जनवरी 2021 हैल्ड किया जाएगा। एडिशन इंपोर्टेंट बनेगा 51st एडिशन है और वेन्यू सेम है, वेन्यू काफ़ी बार आप डिस्कस किया है गोवा देविच इसनों हैल्ड किया जाएगा। कितने हैल्ड किया जाएगा? गोवा देविच। अच्छा गोवा की गल करते हैं, गोवा के चीफ मिनिस्टर सामंत गोयल ने और गोवा के जेडे गवर्नर ने उन्हों का नाम इंपोर्टेंट बनता है। गोवा के जेडे गवर्नर ने गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जेडे इन्हों मेघालय के गवर्नर बना दिता गया सी। गोवा के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने और इन्हों एडिशनल चार्ज दिता गया है गोवा का। ठीक है जी। गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम तुम्हें दसना, गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम की है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए गोवा के ही फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर के नाम के उत्ते एक बुक लिखी गई सी, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में दसना है। मनोहर पारिकर की एक बुक लिखी गई सी, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स के दसना है। राजस्थान की गल करिए इंदिरा रसोई योजना आप डिस्कस की सी, राजस्थान की है। इस तो अलावा मोक्ष कलश योजना भी आप डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान की है। इस तो इलावा अगर आप गल करिए राजस्थान की होर की चीज़ा डिस्कस की आपने राजस्थान के बारे होर भी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे। अच्छा COVID-19 की रैंकिंग राजस्थान द्वारा टॉप किया गया सी, ये भी याद रखना। असम की गल करिए असम की स्कीम धनवंतरी स्कीम है, अपोनर अपोघर स्कीम है, अरुंधति स्कीम है, इस तो अलावा अभिनंदन स्कीम सी। इस तो अलावा रीसेंटली आप डिस्कस की ओरन दोई स्कीम असम द्वारा,
असम द्वारा रिसेंटली गुवाहाटी दे विच रोपवे बनाया गया सी गुवाहाटी दे विच। दूसरा बंदी कूट रोबोट भी शुरू किया गया सी असम दे विच। तीसरा फ्लड वार्निंग सिस्टम भी गुवाहाटी दे विच शुरू लॉन्च किया गया सी। ये याद रखना है, ठीक है जी। बाकी कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस कर लेने हैं। सब तो पहले राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च नो मास्क नो सर्विस नो मास्क नो एंट्री कैंपेन इन जोधपुर। राजस्थान ने जोधपुर सिटी दे विच बेसिकली जोधपुर दे विच काफ़ी जड़े केसिस ने इंक्रीज़ हो गए सी कोविड 19 दे, तो इस दे लई नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री ये दो कैंपेन लॉन्च किए गए ने जोधपुर दे विच। असम दे चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम्या प्रतिभन अचौनी स्कीम लॉन्च की गई है रूरल कनेक्टिविटी के लिए। बेसिकली थ्री व्हीलर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के अंडर ताकि रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जा सके। मुख्यमंत्री ग्राम्या प्रतिभन अचौनी स्कीम। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, असम दे विच ही दो दिन पहले आप डिस्कस की थी एक SBI दे नाल स्कीम लॉन्च की थी। SBI ने असम दे विच एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स दे विच दसना। यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा यू राइज पोर्टल यूपी दे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया गया है। किस दे लई एम्पावरमेंट ऑफ यूथ दे लई, यूथ नू एम्पावर करन दे लई। आज दे लई बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। सैशन नू लाइक और शेयर जरूर कर दे रहो अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।